आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर एटीके न्यूज चैनल पर। भारत, नेपाल, श्रीलंका के ही नहीं, कनाडा, कंबोडिया और जापान के डाक टिकट पर भी श्रीराम अयोध्या। दोस्तों आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर एटीके न्यूज चैनल पर। हर वक्त की सबसे बड़ी और ताजी खबर के अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पूरा देश राममय है, लेकिन प्रभु राम की भक्ति सिर्फ भारत, नेपाल या श्रीलंका तक सीमित नहीं है, इसका विस्तार विदेशों तक हुआ है। इंदौर जीपीओ में श्री राम टिकट प्रदर्शनी में आपको इसके सबूत दिख जाएंगे। अयोध्या के राजा राम न केवल भारत बल्कि एशिया महाद्वीप के अलावा कई देशों में आस्था का केंद्र रहे हैं, इसलिए विदेश के डाक विभाग ने भगवान राम से जुड़े धार्मिक कथानक को डाक टिकट, पोस्ट कार्ड और डाक आवरण में स्थान दिया है। इंदौर जीपीओ में डाक टिकट संग्रहकर्ता 75 बरस के ओम प्रकाश केडिया के जुटाएं श्री राम के दुर्लभ डाक टिकट, पोस्ट कार्ड और डाक आवरण की प्रदर्शनी लगी है, जिसमें न केवल भारत बल्कि कनाडा, कंबोडिया, नेपाल, इंडोनेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका और टोक्यो आदि देशों के डाक टिकट हैं। केडिया द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में भगवान राम से जुड़ी आस्था के साथ विदेशों से संबंध को दिखाया गया है। शौक के कारण अस्तित्व में आए उनके संग्रह में करीब एक दर्जन देशों के सैकड़ों डाक टिकट हैं, जिनमें भगवान राम के अलग अलग रूप हैं। केडिया बताते हैं कि जहां से भी डाक टिकट अथवा पोस्ट कार्ड के बारे में जानकारी मिलती, वह उसे एकत्र करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। इनमें भगवान राम के डाक टिकट, पोस्ट कार्ड और डाक आवरण है। इनमें खास तौर पर भारत में पहला रामायण आधारित डाक टिकट, भगवान श्री राम का दशावतार रूप, राम लक्ष्मण जटायु की पीड़ा और रावण द्वारा सीता हरण जैसे कई कथानक मौजूद हैं। इसके अलावा विभिन्न देशों में उनके यहाँ की संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम से जुड़े प्रसंग हैं। विदेशों में भगवान राम की शैली और पहनावे पर भी डाक टिकट है। नेपाल में माता सीता से जुड़े कथानक के साथ भी राम मिलते हैं, तो श्रीलंका के डाक टिकट में रावण के साथ अलग रूप से राम को दर्शाया गया है, जो आज भी हूबहू उतने ही आकर्षक और दुर्लभ हैं। प्रदर्शनी में आसियान भारत मैत्री रजत जयंती शिखर सम्मेलन पर 2018 में जारी खास डाक टिकट और 1900वीं सदी सहित तकरीबन 300 डाक टिकट, पोस्ट कार्ड और डाक आवरण हैं, जो हैरान करते हैं। यह संग्रह आज कई राम भक्तों के लिए आस्था और आकर्षण का विषय बना हुआ है, जिसे देखने के बाद लोग खासा संतोष और खुशी महसूस करते हैं। भक्त अपने राम की ख्याति देखकर खुश होते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर एटीके न्यूज चैनल पर। हर वक्त की सबसे बड़ी और ताजी खबर के अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को प्यार और सपोर्ट करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।